ये आप इसकी हाइट देख सकते हैं कि ये मुझसे काफी ज्यादा बड़ा है। दो दांत का मेला विनर। अच्छा, इसकी हाइट कितनी होगी? रानी पाकिस्तानी देखी थी, रानी पाकिस्तानी का ये भाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद ब्रोई ब्लॉग्स के साथ मैं हूं असद ब्रोई, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो स्पेशली मोहित भाई की मेहरबानियों से मैं शूट कर रहा हूं। मोहित भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं आप जी, अल्लाह का करम है। अच्छा व्यूवर्स, आज मैं मौजूद हूँ JDC पे, और पहले मैंने आपको एक जानवर दिखाया था जो कि मैंने बोला था इस वक्त का पाकिस्तान का सबसे बड़ा जानवर है। जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ इस वक्त का एशिया का सबसे बड़ा जानवर है जो कि इस वक्त JDC में मौजूद है। सिब्बी नस्ल का है? जी बिल्कुल सिब्बी है। ठीक है, अच्छा इस जानवर के बारे में बताएंगे, सिब्बी नस्ल है? सिब्बी नस्ल है और दूसरा मेला विनर है। एक हमारे पास 6 दांत में मेला विनर है, हमें एक हमारे पास 2 दांत के अंदर मेला विनर है। ठीक है जी, अभी हम कौन सा देखने जा रहे हैं? हम 6 दांत वाला देखने वाले। ठीक है व्यूवर आए देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आज जी अच्छा व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं ये इसकी हाइट है, और हाइट हिसाब से अगर हम इसको देखें, कैमरामैन को कहूँगा गरीब व्यूवर्स, ये आप इसकी हाइट देख सकते हैं कि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अच्छा इससे पहले मैंने आपको ये जानवर दिखाया था, ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाए दो व्यूवर्स। इससे पहले मैंने आपको ये जानवर दिखाया था जो कि मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा उस वक्त का जानवर था। अब मैं आपको दिखाता जाऊंगा JDC में ये सिब्बी जी क्या बोलूँ अच्छा ये सिब्बी नस्ल का जानवर है जो के कितने दांत का है मोहित भाई? है ये 2 दांत वाला है, 2 दांत का मेला विनर। अच्छा इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट कितनी है? 7 फुट 8 फुट 7 फुट। अच्छा व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं, आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना इसकी जो है ना साइज़ कितनी बड़ी है। अच्छा ये मेला विनर रह चुका है, कहाँ पर कौन से मेले में? सिब्बी में, सिब्बी में ये मेला विनर रह चुका है और आज ये JDC में मौजूद है। मज़ीद जो आपको मैंने पहले जानवर दिखाया था, आपने कहा था कि जी आप इससे भी बड़े जानवर सिब्बी कहते हैं, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन मैंने उस टाइम तक का बताया था आपको व्यूवर्स। तो इसको वॉक करा के देखेंगे, थोड़ा चला लें। देख सकते हैं साइज, देख सकते हैं इसका, माशाल्लाह से व्यूवर इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आप हाइट देख सकते हैं, लंबाई चौड़ाई चाल, वाकई में मज़ा आ गया आज इस जानवर को देखकर। जी तो व्यूवर्स आपने वो 2 दांत का मेला विनर एक सिब्बी नस्ल का बैल देखा, उसके बाद में भाई इनके बारे में बताएं जो ये हैं। देखिए आपने कराची मंडी का 2 दांत वाला सिब्बी मेला विनर देख लिया, और वैसे ही ये 4 दांत के अंदर कराची मंडी का सबसे बड़ा है, सही है, इसी के बराबर में 6 दांत का है जो कि कराची में। कैमरा थोड़ा सा ये दिखाएं इसके बारे में, इसका व्यू दे थोड़ा सा। जी मोहित भाई आप बताएं इनके बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 4 दांत के अंदर मंडी का सबसे बड़ा मेला विनर है, सही है। इससे पहले आपने देखा था वो 2 दांत का सबसे बड़ा मेला विनर था, सही है। ये 4 दांत में उसके बराबर में 6 दांत वाला है, सही है। मतलब कराची मंडी जो 2 दांत वाला था वो कराची मंडी का मेला विनर है या एशिया का बड़ा जानवर है? एशिया का भी बड़ा। सिब्बी देखिए, सिब्बी जो होता है ना वो मेला विनर वही होता है 2 दांत का, सही है, जो कि बड़ा होता है, सही है। मतलब वजूद में, अपनी वजूद में समझे पूरा उतरता है ना, सही है, उसी को मेला विनर मिलता है, सही है। जो हमारे पास 2 दांत वाला वो मेला विनर है, बाकी सारे कद में बड़े, सही है, कद में बड़े। अच्छा इनकी हाइट क्या होगी अंदाजन? जो आपने पहले वाला देखा था वो 8 फुट का था, सही है, ये 7 फुट का होगा, जैसे कि आपने हमारा वो देखा था ऑस्ट्रेलियन देखा था, सही है, उसी के बराबर हाइट है इसकी, उसी के बराबर में 6 दांत वाला है, उसकी भी तकरीबन 7 फुट है। अच्छा 6 दांत वाला देखें चल के। ठीक है जी मोहित भाई, ये है वो जानवर जो के आप बता रहे हैं 4 दांत का है, ये 6 दांत का, क्या बात है 6 दांत का। अच्छा उम्र में ये बड़ा है लेकिन साइज में वो ज्यादा बड़ा है जो आपने देखा, साइज में 2 दांत वाला, इसलिए वो मेला विनर है। ये 6 दांत का सिब्बी है, सही है, ये भी मतलब कराची मंडी में जो 6 दांत का सिब्बी है ना उसमें सबसे बड़ा सिब्बी है। अच्छा ये बताएं मुझे, मेला विनर जो होता है वो साइज में बड़ा होता है तो मेला विनर नहीं होता है? वो हर चीज़ देखना पड़ती है, ऐसा हम लोग डॉग्स पॉइंट देखते हैं ना, वैसे जानवर मेला विनर में भी पॉइंट देखे। जो मैंने ऑस्ट्रेलियन देखा था, ऑस्ट्रेलियन भी उस टाइम पर मुझे बताया गया था कि पाकिस्तान का बड़ा जानवर है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा ऑस्ट्रेलियन के अंदर था ये, और जानवरों में सबसे बड़ा साइज सिब्बी का होता है, ऑस्ट्रेलियन का सिब्बी का होता है, सिब्बी का होता है, सिब्बी से बड़ा कोई जानवर नहीं, सिब्बी से बड़ा कोई जानवर। ठीक है जिसके बाद क्या दिखा रहे हैं आप?
इसके बाद आपको थरी जानवर दिखाते हैं हम, सही है, सिंगो वाले होते हैं थरी जानवर आपको दिखाते हैं। ये हैं वो थरी जानवर, बिल्कुल ये हमारे पाकिस्तान की ब्रीड है थरी, और ये बेसिकली मशहूर है अपनी सिंगो की वजह से ना। अच्छा, इनके सिंगो में क्या खासियत है जो इनके, लाइक ये चांदबैल जो हम कहते हैं ना, ये वो है, सही है। और इनकी हाइट वगैरह सभी से कम होती है, इनकी हाइट सभी से कम होती है, पर इनकी जो भी खूबसूरती होती है ना वो इनकी होती है सिंग। हमारा ज़्यादा तजुर्बा ये रहता है, हमारे डोनर्स का भी ये रहता है कि गरीबों के लिए खूबसूरत से खूबसूरत जानवर दिया जाए। अच्छा, मुझे इसके इनके बराबर में खूबसूरत सा जानवर नज़र आ रहा है, ये कौन सा? ये भी ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, ये समझो उसके बाद इसका नंबर आता है ऑस्ट्रेलियन के, उस ऑस्ट्रेलियन के बाद वो हाँ। उसकी हाइट क्या है ऑस्ट्रेलियन की? उसकी 7 फुट है। मतलब उसकी 7 फुट है, वो मुझसे बड़ा था, मैंने जब आपसे। अच्छा, और ये वाला जो है, ये वाला उससे छोटा है? ये उससे छोटा है। ठीक है, इसके पास चलें जी, इसके बारे में बताएं मुझे भाई। ये गुलाबी है, सही है, गुलाबी तो नहीं बोलेंगे, पांडा है, पांडे उसके अंदर है प्रिंट के अंदर, और ये ऑस्ट्रेलियन वाला गुलाबी है, और ये उस वाले से छोटा है, सही है। अच्छा, हमें जो हमारे डोनर्स है ना, वो जो उनको खूबसूरत जानवर अपने लिए लगता है, वो गरीबों के लिए डोनेट। क्या बात है, क्या बात है फ्रेंड्स, एक से बढ़कर एक मैंने जानवर देखा, सबसे बड़ा मेला विनर, उसके बाद 4 दांत, 6 दांत, फिर थरी, थरी के बाद फिर मैंने जानवर यहाँ पर देखा ऑस्ट्रेलियन। अब इसके बाद आपको हम दिखाते हैं पाड़ा, सही है, ठीक है, एशिया का जो सबसे बड़ा पाड़ा है वो आपको पाड़ा दिखाते हैं, उसके बाद 5 टांग वाली गायें दिखाते हैं। क्या बात है फ्रेंड्स, चले आए जी। तो मोहित भाई, ये हम किस पोर्शन में पहुंच चुके हैं? ये हमारे ऊँटों का पोर्शन है, सही है, मगर अभी बेसिकली हमारे ऊँट इंशाल्लाह कल या परसों उतर जाएंगे यहाँ पे, सही है। तो अभी हमने यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट चीज़ें हैं, पाड़े हैं, 5 टांग वाली गायें हैं, भैंसे हैं, छोटी गेने हैं, वो यहाँ पे बांधे हुए, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वाइट ऊँटनी, सही है, ये कुर्बानी के लिए नहीं है, इसका बच्चा सी के बराबर में, ये कुर्बानी के लिए नहीं है, ये ऐसे हमने रखी हुई, इसके बराबर में है हमारे साथ 2 कान वाले ऊँट, इसके बच्चे का बड़े मज़े नहीं आ रहे? हाँ बिल्कुल काफ़ी खूबसूरत बच्चा है, ये भी फीमेल है, बच्चा भी जो है काफ़ी खूबसूरत बच्चा है इसके साथ, इसका और बच्चा है तो इसकी कुर्बानी नहीं है, ऐसी हमने रखा। अच्छा मोहित भाई, ये बताइए, ये 2 कान वाले होंगे, इसके जो ये कुआन है ये ग्रेव है क्यों है नीचे? देखिए, होता ये है कि ये बेसिकली मंगोलिया और टर्की में पाया जाता है, सही है, वहाँ जो मौसम है ना वो ठंडा होता है, अभी इन्होंने प्रॉपर शेड किया हुआ है, ठीक है, और गर्मियों में अपना कुहान गिरा देते हैं, जैसे ही सर्दियाँ आती है ना ये अपना कोट भी बढ़ाते हैं और अपना कुहान भी उठाते हैं, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद? इसके बाद ये अभी हमारे पास तकरीबन 4 ऊँट है, सही है, ठीक है, ऊँटी हैं ये सारे सारे कुर्बानी के लिए आए हुए, सही है, माशाल्लाह इनकी दूसरे दिन कुर्बानी हो। चले व्यूअर्स मजीद आग देखें। अच्छा, ये 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 इतना खूबसूरत फ्रेंड्स, ये देखें काफ़ी खूबसूरत है, ये पाड़ा है, सही है, आप इसकी खूबसूरती देखेंगे, इसके चारों पैर वाइट हैं, सही है, इसका फेस वाइट है, इसकी टेल वाइट है, सही है, और माशाल्लाह से आप इसकी आँखें भी देखें तो आँखें भी ब्लू है, सींग भी वाइट है, बिल्कुल माशाल्लाह बहुत काफ़ी खूबसूरत है। कैमरा मैन को कहूँगा इसको कम्प्लीट सही तरीके से दिखाए, ये फेस है इसका, फेस वाइट है पूरा, और ब्लैक है, और टांगे जो हैं इसकी वाइट हैं, और यही मेरे ख्याल से इसकी खूबसूरती है, मुझे ज़्यादा खूबसूरती इसकी आँखों में लग रही है, यही है। अच्छा, इसके बाद आएँ, ये क्या है? ये गेना है, बिल्कुल। अच्छा, इसके ये कितने दांत का है? ये 2 दांत का गेना है, ये 2 दांत का गेना है, बिल्कुल। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट रानी पाकिस्तानी से थोड़ी बड़ी है, मगर रानी पाकिस्तानी का भाई दिखाता हूँ आपको, ठीक अच्छा, है, चले रानी पाकिस्तानी का भाई देखते हैं व्यूअर्स, ये रानी पाकिस्तानी का भाई है। अच्छा हाँ, ये कितने दांत का है? ये भी 2 दांत का है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने रानी पाकिस्तानी देखी थी, रानी पाकिस्तानी का ये भाई है, और ये भी 2 दांत का है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये उससे बड़ा है, कितने इंच का है ये? उससे थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा होगा, अंदाजे से बता नहीं सकता मुझे अभी, लाइक उसका इसके बाद एग्जैक्ट नहीं पता ना, ठीक है, आ जाओ आगे। ओहो, ये एक है ना खूबसूरत सा जानवर आपके पास, पंच फेज। अच्छा, ये पंच फेज में जी, ये पंच फेज है, सही है, ठीक है, खूबसूरती देखे, ये 2 दांत के अंदर है, इसकी ब्रीड कौन सी है? ये पंच फेज है, पंच फेज ब्रीड खिलाई जाती है, ये नॉर्मल हमारी देसी गाँव गाय में से ही निकलते हैं। अच्छा, ये ब्रीड होती है या निकल आता है गाँव? ये निकल आता है, जैसे गेने बच्चे निकल आते हैं ना देसी में से, वैसे ये निकल आते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, ये इस वक्त जो पंच फेज है ये नायाब में आएगा, तो ये क्या पाकिस्तान में नायाब है या वर्ल्ड लेवल पे नायाब है या ये होते हैं अक्सर? नहीं, होते हैं, ये कॉमन है, निकल आता है, मतलब अच्छा। वन इन द ब्लू मून में निकल आता है बच्चा, और गर्मी भी काफी है, पसीने भी निकल रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे नायाब जानवर दिखाते हैं जो की 5 टांग वाली गाय, व्यूअर्स ये 5 टांग वाली गाय है। अच्छा मैं भाई, इसके बारे में बताओ, 5 टांगे बिल्कुल पानी के लिए है, ठीक है, ठीक है, हमारे इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स वाले
अच्छा तो ये कुर्बानी के लिए नहीं है मगर आप अच्छा कुर्बानी ना होने की वजह क्या है? पांच टांगों वाले की नहीं कर सकते? बिल्कुल, मतलब ये जायज नहीं है कुर्बानी? हाँ थोड़ा बहुत नुक्स है, दैट्स व्हाई ये उन्होंने गिफ्ट किया हमें। अच्छा। कुर्बानी पर्पस के लिए नहीं है, उन्होंने गिफ्ट किया है ये फ्रेंड्स। तो ये पांच टांगों वाली गाय है जो कि कुर्बानी के लिए नहीं है, इन्होंने एज अ शौक रखा हुआ है, किसी ने गिफ्ट किया ऐसे ही है, तो ये इनके पास ही रहेगी। इसके बाद आपको एशिया का सबसे बड़ा भैंसा दिखाते हैं। आए चलो जी फ्रेंड्स आए। ये है तो व्यूवर्स, ये मोहित भाई का कहना है कि एशिया का सबसे बड़ा भैंसा है। भैंसे क्या इससे बड़े नहीं होते हो? नहीं अभी तक देखें कराची के अंदर तो इससे बड़ा कोई भैंसा नहीं, ठीक है? कराची के अंदर नहीं है, आपने नहीं देखा। अच्छा दूसरा ये बताएं कि ये नस्ल कौन सी है, पंजाब की है या सिंध की है? ये बेसिकली है पंजाब की, इसलिए मुझे इतना इनके बारे में मुझे पंजाब की लग रही है थोड़ा बहुत, मुझे पता है पंजाब की नस्ल है, ठीक है। भैंसा मतलब इससे बड़ा आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। हम इसको कराची का बड़ा भैंसा बोलते हैं, कराची का बड़ा भैंसा कह सकते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये थे JDC के जानवर और मोहित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई के, जो है ना कि आपकी जो है मोहब्बत से आज हमने यहाँ पर कवरेज की, मोहित भाई की मोहब्बत से की। तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।